बालाघाट से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। परियोजना अधिकारी 5000 की रिश्वत लेते धराया। चयनित आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए ले रहा था रिश्वत। कार्यालय में रिश्वत की दूसरी किश्त लेते धराया परियोजना अधिकारी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथों। जबलपुर लोकायुक्त की सप्ताह ये दूसरी बड़ी कार्यवाही। लोकायुक्त की कार्यवाही से रिश्वतखोरों में हड़कंप। दूसरी बड़ी कार्यवाही से रिश्वतखोरों में हड़कंप है। आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती ममता मरकाम ग्राम पंचायत हिरली का चयन हुआ था आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर। तो उनके द्वारा दिनांक 11/4/2022 को शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कि परियोजना अधिकारी श्री दक्षिण शर्मा के द्वारा उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि इस हेतु मांगी जा रही है कि वो आदेश को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे जी। तो उक्त शिकायत की पुष्टि होने के उपरांत आज दिनांक 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए संबंधित अधिकारी परियोजना अधिकारी श्री दक्षिण शर्मा को रंगे हाथ उनके कार्यालय बैहर स्थित में कार्यालय महिला बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। उसी कार्रवाई जारी है। सर किन धाराओं पर मामला पंजीबद्ध किया गया? धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। सर क्या नाम है? जी क्या नाम है सर? मैं निरीक्षक GS मस्कोले लोकायुक्त जबलपुर और हमारी लोकायुक्त टीम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।